सो गाइस, अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला है, क्योंकि आप सभी को पता है जब आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आप अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अंडा रेवेन्यू में बेचते हैं। लेकिन उससे पहले आपको करना क्या होता है, एक एडसेंस अकाउंट को क्रिएट करना होता है, फिर उसे अपने चैनल से लिंक करना होता है, उसके बाद आप अंडर रिव्यू में बेच सकते हैं। लेकिन कुछ घंटों बाद आपको एक मेल आता है और उस मेल में दिया होता है यू आर ऑलरेडी एडसेंस अकाउंट या कुछ इस प्रकार का इशू आ जाता है, जिसे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके चैनल पर स्टेप टू एरर आ जाता है तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे फिक्स कर सकते हैं, सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको अच्छे से देने वाला हूं और समझाने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग क्यों ना हो जाए, बट आप इस वीडियो को कंप्लीट देखना। ज्यादातर मेरी सभी वीडियो लॉन्ग ही होती है, क्योंकि मैं जो भी समझाता हूँ, जो भी बताता हूँ, आपको क्लियर करके बताता हूँ। तो साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर मैं किसी का भी यूजर आईडी पासवर्ड लेता हूँ तो सबसे पहले उस बंदे से मैं इंस्टाग्राम पर वीडियो कॉल करता हूँ, और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट ये है, मेरा एक ही इंस्टाग्राम आईडी है और मैं इसी पर ऑनलाइन रहता हूँ। मेरे द्वारा किसी बंदा या बंदी का कोई भी काम बनता है तो मुझे काफी अच्छा लगता है कि मेरे द्वारा किसी की कोई भी समस्या है वो सॉल्व तो हो रही है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं, तो इस वीडियो के नीचे एक आपको दिख रहा होगा बटन होता है लाइक वाला, तो पहले उस पर क्लिक कर दो, और उसके बाद आपको नीचे कहीं दिख ही रहा होगा जो एक रेड कलर में लिखा होगा सब्सक्राइब। देख रहे हैं आप, अच्छे से देख लो यार, लिखा होगा, आपको ये सब्सक्राइब लिखा दिख रहा है, इस पर टच कर दो। जैसे आप इस पर टच करते हैं, जस्ट बगल में आपको एक नोटिफिकेशन आएगा देखेगा, उस पर भी क्लिक कर देना। ये बिल्कुल फ्री है, क्योंकि मैं कोई भी न्यू वीडियो बनाऊंगा तो उसका अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाएगा और आप उस अपडेट को सबसे पहले देख सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो, लेकिन उससे पहले हम इनकी एक छोटी सी क्लिप सुन लेते हैं जिनकी इस प्रॉब्लम को आज हमने फिक्स किया है। हेलो एवरीवन, तो भाई मेरा एक यूट्यूब पे चैनल है कंफ्यूज क्यूटी नाम से, तो अभी रिसेंटली मैं उस पे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए थे, तो मैंने जैसे ही मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया था तो उसमें स्टेप टू एरर आ रहा था, तो उस प्रॉब्लम को मैंने दो बार ट्राई किया था फिक्स करने के लिए, लेकिन वो नहीं हुआ, तो इसलिए उससे ज्यादा छेड़छाड़ नहीं किया मैंने। फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया तो मुझे एक वीडियो मिली DH एडवाइस करके, तो फिर उस वीडियो में भी जो जिस तरीके से उन्होंने बताया था मैंने वैसे भी किया, पर ये आ गया। फिर उसके बाद उन्होंने बोला था कि अगर नहीं होता है तो इंस्टा पे DM करो और हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये सच बोल रहे हैं या फिर ये सच में करेंगे। मुझे लगा ऐसे इंस्टा पे फॉलोअर बढ़ाने के लिए सब लोग करते हैं तो ये भी कर रहे होंगे, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने उनको DM किया, फिर उसके बाद उन्होंने रिप्लाई भी किया उसका और मेरी प्रॉब्लम भी सॉल्व की, और मैंने जितना भी सोचा था सर ने उससे भी ज्यादा मेरी हेल्प की। सर का नेचर बहुत अच्छा है, सर बहुत ही पोलाइटली बात करते हैं और एकदम छोटे भाई बहन की जैसा ट्रीट करते हैं, और सर ने मेरा ईमेल आईडी और पासवर्ड लेने से पहले वीडियो कॉल किया था ताकि मुझे भरोसा हो जाए कि मेरे चैनल के साथ कुछ फ्रॉड नहीं होने वाला है। और मेरे चैनल पे ना तो अबाउट में कुछ लिखा हुआ था, ना कॉपीराइट डिस्क्लेमर लगा हुआ था, ना कस्टमाइज हुआ था, ना टू स्टेप वेरिफिकेशन हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन सर ने सब कुछ कर दिया, उम्मीद से भी ज्यादा उन्होंने मेरी हेल्प की है। आप उन्हें इंस्टा पे फॉलो करके अपनी प्रॉब्लम उन्हें बता सकते हैं एंड डेफिनेटली उनसे जितना हो सकेगा उससे ज्यादा वो आपकी हेल्प करेंगे। और जो सर का यूट्यूब चैनल है उस पे वो काफी अच्छी वीडियो बनाते हैं, जो भी बताते हैं डेमो के साथ बताते हैं और बहुत ही क्लियरली समझाते हैं, आप उनको वहां पे सब्सक्राइब करके उनकी वीडियोस भी देख सकते हैं। और मैं लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूंगी कि सर बहुत अच्छे हैं और आपने मेरी इतनी ज्यादा हेल्प की, इसके लिए थैंक यू सो मच। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं मैंने अपने लैपटॉप में एक चैनल को लॉगिन कर लिया है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं इन मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने हमारे चैनल पर भरोसा करके अपने यूजर आईडी पासवर्ड हमें दिए। अब हम चलते हैं इनके मोनेटाइजेशन वाले ऑप्शन पर। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार का एक इशू आ गया है, एक एरर आ गया है, स्टेप टू एक यहाँ पे एरर शो कर रहा है, सेटअप गूगल एडसेंस यहाँ पर ये इशू आया है। उसके बाद हमने इनके गूगल एडसेंस को ओपन किया तो यहाँ पर इस प्रकार का इशू आ रहा है, आप देख सकते हैं यू नीड टू फिक्स समथिंग टू यूज एडसेंस, यहाँ पर ये इशू आया है।
अब इस इशू को कैसे फिक्स कर सकते हैं सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जो आपका एडसेंस का लोगो है आप लोगो देख सकते हैं, इस लोगो पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको माई अकाउंट पे आपको क्लिक कर लेना होगा। जैसे इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने ऐसा एक पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, पेमेंट एंड सब्सक्रिप्शन पे आपको जाना होगा। उसके बाद ऐसा एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, मैनेज पेमेंट मेथड पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं उसके बाद ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, सेटिंग्स पे आपको आना होगा। उसके बाद आपको यहां से इसे स्क्रॉल कर लेना है और आप यहां पे देख सकते हैं पेमेंट प्रोफाइल स्टेटस। आपको यहां पे क्लोज पेमेंट प्रोफाइल पे क्लिक करना है। उसके बाद इसे यहां से स्क्रॉल कर लेना है और यहां पे कोई भी एक रीजन सिलेक्ट कर लेना होगा। चलिए फटाफट से मैं यहां से कोई भी एक रीजन सिलेक्ट कर लेता हूं। ये मैंने रीजन सिलेक्ट किया, उसके बाद कंटिन्यू कर देता हूं, उसके बाद क्लोज पेमेंट प्रोफाइल कर देता हूं। तो गाइस आप देख सकते हैं जो पेमेंट प्रोफाइल थी वो यहां से डिलीट हो गई है। अब आपको करना क्या है, दोबारा से मोनिटाइजेशन वाले ऑप्शन पे आना होगा। जैसे आप इस पर आते हैं उसके बाद अब आपको यहां पे करना क्या है, फिक्स इन एडसेंस आपको कर लेना होगा। उसके बाद आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको यहां पे करना क्या है, सिलेक्ट। जैसे आप सिलेक्ट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहां पर तीन ऑप्शन आ गए होंगे। अब आपको यहां पे पहले नंबर पर समझना है, यस आई हैव एन एक्सेप्टिंग अकाउंट, क्या आपका पहले से एडसेंस अकाउंट बना हुआ है। और सेकंड नंबर पर दे रहा है, डू आई डू नॉट हैव एन एक्सेप्टिंग अकाउंट, हमारा पहले से एडसेंस अकाउंट नहीं बना है। आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, अगर आपके पास पहले से एक एडसेंस अकाउंट बना हुआ है जो फ्रेश है तो आपको पहले नंबर सिलेक्ट करके उसे लिंक कर देना है। अगर आपके पास पहले से कोई एडसेंस अकाउंट नहीं बना है तो आपको करना क्या है, नो वाला सिलेक्ट करना सेकंड नंबर पे, और इस पे जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, एक न्यू जीमेल अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर लेना होगा और उससे यहाँ पे आपको लॉगिन करना होगा। तो फटाफट से यहाँ पे आपको एक जीमेल अकाउंट क्रिएट कर लेनी होगी। तो मैं यहाँ पे पहले से एक जीमेल अकाउंट क्रिएट कर चुका हूँ तो उसे यहाँ पे लिंक करने वाला हूँ, तो उससे यहाँ पे एक एडसेंस अकाउंट क्रिएट करने वाला हूँ। तो आपको करना क्या, यहाँ पे यूज अनदर अकाउंट पे आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद जो आपने न्यू जीमेल अकाउंट क्रिएट किया था आपको वो यहाँ पे फ्लिप कर लेनी होगी। तो चलिए दोस्तों फटाफट से मैं यहाँ पे फ्लिप कर लेता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जीमेल अकाउंट एंड पासवर्ड यहाँ पे दोनों फ्लिप कर दिए हैं। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद ऐसा एक पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको अच्छे से समझना है, यहाँ पर आपको कोई भी गलती नहीं करनी होगी। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं योर वेबसाइट, यहाँ पर आपकी जो चैनल की यूआर लिंक है ऑटोमेटिक आ जाएगी। अब आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपकी चैनल की लिंक आ गई है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं गेट मोर आउट ऑफ एडसेंस, आपको यहाँ पे नो सिलेक्ट करना है। नो सिलेक्ट करने के बाद इसे स्क्रॉल कर लेना है और आप यहाँ पे देख सकते हैं सिलेक्ट योर कंट्री, आपको यहाँ पे अपनी कंट्री सिलेक्ट करनी होगी। आप जिस कंट्री से हैं वो कंट्री आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी होगी। तो ये इंडिया से है तो मैं यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद स्क्रॉल करना है और आप यहाँ पे देख सकते हैं प्लीज रिव्यू एंड एक्सेप्ट योर टर्म्स एंड कंडीशंस। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे यस पे आपको टिक करना है। यहाँ पे टिक करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे क्रिएट अकाउंट, आपको यहाँ पे क्रिएट अकाउंट कर देना है। उसके बाद एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, गेट स्टार्टेड आपको कर देना है। उसके बाद एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, आप देख सकते हैं मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। पहले आप यहाँ से समझो, अकाउंट टाइप आपको यहाँ पे इनरोल रखना है। यहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं, एक तो आपका आता है इनरोल, एक आता है बिजनेस, आपको यहाँ पे इनरोल रखना है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे नेम एंड एड्रेस, आपको यहाँ पे नेम डालना, जो आपके डॉक्यूमेंट में नेम है वही नेम आपको डालना है। तो आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे नेम डालना है, उसके बाद आपका एड्रेस लाइन वन में आपको एड्रेस डालना है और एड्रेस लाइन टू में आप अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं, या आपका एड्रेस लाइन वन में आपका एड्रेस कंप्लीट आ जाता है तो एड्रेस लाइन टू को खाली भी छोड़ सकते हैं। अगर आपका एड्रेस लाइन वन में आपका एड्रेस कंप्लीट नहीं आता है तो आप एड्रेस लाइन टू में भी डाल सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी सिटी सिलेक्ट करनी है, उसके बाद आपको अपना पोस्टल कोड और स्टेट आपको डाल देना है। तो चलिए दोस्तों फटाफट से ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे अच्छे से फिल कर लेता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अच्छे से फिल कर दी है, और ये सारी इन्फॉर्मेशन इसलिए हेड की है क्योंकि मैं किसी की भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, आपको शो नहीं कर सकता। उसके बाद अब आपको करना क्या, सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हैं
आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने दो ऑप्शन शो हो रहे हैं, पहला है रीडायरेक्ट एंड दूसरा है कैंसिल। अब आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट होकर उसी पेज पर पहुंच जाएगा जहां से आपने मोनिटाइजेशन के लिए अप्लाई करना शुरू किया था, जहां पर जो स्टेप टू एरर शो हो रहा था। आप यहाँ पे कॉर्नर में देख सकते हैं अभी ये रनिंग में, ये ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट होकर उसी पेज पर पहुंच जाएगा। यहाँ पर आपके इंटरनेट स्पीड के ऊपर भी डिपेंड होता है, आपकी इंटरनेट की स्पीड जैसी होती है उतनी फास्ट काम होता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं रिडायरेक्ट होकर ये उसी पेज पर आ गया है चैनल मोनिटाइजेशन पर। अब आप स्टेप टू पर देख सकते हैं इन प्रोग्रेस, जो आपने एडसेंस अकाउंट बना के इस चैनल से जो लिंक किया है उससे जो एडसेंस टीम रिव्यू करेगी, चेक करेगी क्या ये वैलिड एडसेंस अकाउंट है या नहीं। तो आपको यहाँ पे अब करना क्या है, कुछ घंटों का यहाँ पे वेट कर लेना होगा। चलिए दोस्तों हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, कुछ घंटों का वेट कर लेते हैं। कुछ घंटों बाद जब हमने इस चैनल को दोबारा से लॉगिन किया तो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं जो हमने एडसेंस बनाकर लिंक किया था क्या वो सक्सेस हुआ है या नहीं। जानने के लिए आपको आना होगा मोनिटाइजेशन वाले ऑप्शन पर। चलिए फटाफट से हम चलते हैं मोनिटाइजेशन वाले ऑप्शन पर और इस पर हम टच कर लेते हैं। जैसे हम इस पर टच करते हैं तो आप दोस्तों देख सकते हैं स्टेप टू यहाँ पे डन हो गया है। स्टेप टू डन, साइन अप गूगल एडसेंस, यू हैव सक्सेसफुली लिंक्ड एन एडसेंस अकाउंट। तो यहाँ पर जो इशू आ रहा था, एरर आ रहा था, वो फाइनली सॉल्व हो गया है। और आप स्टेप थ्री पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं इन प्रोग्रेस, अब इनका जो चैनल है अंडर रिव्यू के लिए चला गया है। तो कुछ ही दिनों में ये मोनिटाइज भी हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं और वीडियो में कमेंट करके भी बता सकते हैं।